Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of November 2021, Tuesday. Inspiration of the day is it is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcomes in today's discussion we are going to cover these articles so let us start with article number 1 given on page number 1 india will be net zero by 2070 pm in yesterday news analysis we have discussed that india has yet not promised for net zero carbon emission but on monday our prime minister has given a five pronged target five Targets for India and finally committed to net zero emission just like other countries and joined the group of US, UK, and China in pursuance of ecological or climate targets. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको नाम दिया है पंच अमृत तो पांच टारगेट सेट किए हैं फॉर अपकमिंग सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स जहाँ पर इंडिया इस बात के लिए कमिटमेंट शो करेगा दैट इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ दो कंट्रीज दो नेशंस व्हिच आर टारगेटिंग नेट जीरो कार्बन एमिशन सो इम्फोसाइजिंग आवर नॉन फ्यू फॉजल फ्यूअल कैपेसिटी दैट इज गोइंग टू बी ट फाइव हंड्रेड गेगा वाट्स एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थर्टी इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दैट वन सेवेंटी फाइव गेगा वाट्स का टारगेट कब था फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि बढ़ा करके दो हजार तीस तक पाँच सौ गेगा वाट्स तक लाया जा चुका है और इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर ये नंबर इंडिया अचीव कर लेता है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की टोटल एनर्जी नीड में टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट में वो पचास परसेंट तक हो जाएगा एंड बाय देन आल्सो इंडिया इज प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशन अप टू वन बिलियन टनस और अगर इंडिया इसको भी सक्सेसफुली अचीव कर लेता है इन दैट केस इंडिया और इंडियन इकोनॉमी विल सी द फोर्टी फाइव परसेंट रिडक्शन इन केस ऑफ ओवरऑल कार्बन एमिशन तो दो हजार सत्तर के लिए पाँच सौ गेगावाट और फोर्टी फाइव परसेंट कार्बन एमिशन के रिडक्शन का टारगेट रखा है इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एंड यू india has promised that india is going to be the net zero carbon emitter country by financial year 2070 and if you remember we have discussed what is net zero emission net zero emission is simply the amount of greenhouse gas ghg a country is producing is ऑफ सेट बाई द अमाउंट दैट दे आर गोइंग टू दर्टिकुलर कंट्री इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द एटमोसफेयर मतलब जितना आप एमिशन करें उतने ही फिल्ट्रेशन प्लांट लगा करके या सिक्वेस्ट्रेशन प्लांट लगा करके उतनी ही जीएससी गैसेस को एन्वायरमेंट से रिमूव करें सो इन दैट केस योर टोटल कार्बन एमिशन मीन्स कंट्रीज टोटल कार्बन एमिशन विल भी जीरो सो आफ्टर दिस अनाउंसमेंट आफ्टर दिस अनाउंसमेंट इट इज मोस्ट लाइकली दैट कोल एंड फॉसल फ्यूएल Industries are not going to invest into these sectors of energy. Apart from it, few other industries or the sector will grow. Se grow definitely joke. Green energy, green fossil fuel, non-renewable energy se related. Hai, all these sectors or all these industries may see the large investment after this commitment by our प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया सो मोदी ऑल्सो अप द रिनबल एनर्जी टारगेट ऑफ द कंट्री टू फाइव हंड्रेड गेगा वाट पहले कितना था पहले ये चार सौ पचास गेगा वाट का था दो हजार तीस तक के लिए बट इंडिया ने इसको पचास गेगा वाट और इंक्रीज करके पाँच सौ तक ला दिया है यानी दो हजार तीस तक फिफ्टी परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो इंडिया की है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी होगी और 45 परसेंट तक का अप्रॉक्सीमेट कार्बन एमिशन में रिडक्शन देखने को मिलेगा दीज आर द टारगेट दैट कंट्री इंडिया हैज सेट फॉर इट्सल्फॉर अपकमिंग सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स इसके अलावा 2070 का जो टारगेट है दैट इज़ फॉर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एंड इंडिया करंट आरी कैपेसिटी स्टैंड एट वन सेवेंटी फाइव गेगावर जो कि पहले सेट किया गया था पाँच साल पहले जो टारगेट सेट किया था इंडिया

कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग 175 गीगावाट्स फाइव के का इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया स्टैंड्स ऑन फोर्थ पोजीशन और अगर पिछले सालों के एफर्ट्स की बात करें तो लास्ट लास्ट सेवन ईयर्स में लास्ट जो सेवन ईयर्स रहे हैं उसमें इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है दैट हैज़ सीन ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ एंड द शेयर ऑफ ग्रीन एनर्जी इन द मिक्स हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी परसेंट तो जो फॉसल फ्यूअल हैं नॉन रिनबल सोर्सेज हैं उनमें तो पच्चीस परसेंट की केवल ग्रोथ देखने को मिली है जबकि अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी की तो ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है इंडिया के टोटल एनर्जी मिक्स में दैट हैज़ रीच्ड अप टू फोर्टी परसेंट और इन्हीं सब को करते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एम्बिशियस कुछ एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं इसके अलावा एक आपको और न्यूज़ जाननी चाहिए प्रॉबेबली दैट मे बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे ने भी अपने लिए एमिशन की टारगेट सेट किए हैं एंड एज़ पर द इंडियन रेलवे दे आर गोइंग टू बी नेट ज़ीरो कार्बन एमिटा ऑर्गेनाइजेशन बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 तो 2030 तक इंडियन रेलवे इज गोइंग टू बी द नेट जीरो कार्बन एमिटर ऑर्गेनाइजेशन एज पर द रिसेंट कमिटमेंट एंड दीज आर द फ्यू हाई दैट वी हैव डिस्कस दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे कैरियर इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेट जीरो और इंडिया के अलावा यूएस यूके चाइना जैसे कंट्रीज ने भी नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट सेट किया है यू और यू का टारगेट फाइनेशियल ईयर 2050 तक का है 2050 तक का टारगेट सेट किया है यूएस और यूके ने कि 2050 तक वो नेट जीरो का टारगेट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करेंगे उसी के अलावा चाइना ने 2060 तक का टारगेट सेट किया है अपने लिए अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन एंड फोर एक्चुअली आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज है इंडिया की इकोनॉमी में जो प्रोग्रेस हो रही ग्रोथ हो रही उससे न्यूज फ्रॉम पेज नंबर वन एंड पेज नंबर फोर दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी इन वन सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज इज गिवन ऑन पेज नंबर वन जी एस टी कलेक्शन सर्च टू रुपीज वन पॉइंट ट्रिलियन सो इन स्टेप विथ कॉन्स्टेंट राइस इन द पास्ट फाइव मंथ फाइनली जी एस टी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर रोज टू वन पॉइंट थ्री ट्रिलियन और अगर इसे पिछले साल से कंपेयर करें सेम पीरियड से तो पिछले साल का कंपेरिजन में चौबीस परसेंट ज़्यादा हाई कलेक्शन हुआ है तो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर के मंथ में वन पॉइंट थ्री ट्रिलियन तक रीच कर चुका है जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में ट्वेंटी फोर परसेंट तक हाई है, है। और प्री पैंडमिक की अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें फाइनेंशियल टू थाउजेंड तो उसके कंपैरिजन में 36 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है एंड दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जो कि 2017 में हुआ था 2017 के बाद से ये सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन है द हाईएस्ट कलेक्शन जो सबसे पहले हुआ था दैट वाज 1.4 ट्रिलियन इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर जबकि हम पैंडमिक की फर्स्ट वेव से अप्रॉक्सीमेटली रिकवर कर चुके थे तो उस समय इसी फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के मंथ में 1.4 ट्रिलियन का कलेक्शन देखा गया था दैट वॉज द फर्स्ट और एवर हाइएस्ट जी कलेक्शन एंड दिस अक्टूबर मंथ जी एस टी कलेक्शन इज वन थ्री ट्रिलियन दैट इज द सेकेंड हाइएस्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट द पॉजिटिव ट्रेंड्स टू कंटिन्यू एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल पोस्ट हाइयर रिवेन्यू एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हालांकि अगर हम देखें इन नंबर्स को तो दीज नंबर्स आर मोस्ट लाइकली इम्पैक्टेड बाई द फेस्टिव सीजन इंडिया में इस फेस्टिव सीजन चल रहा जिसकी buying, है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज़्यादा है जिसका सीधा इंपैक्ट हमें जी एस टी कलेक्शन पर देखने को मिल रहा है वी ऑल नो जी एस टी इज़ द डेस्टिनेशन बेस वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट टैक्स तो जितना भी खरीद फरोख़ होगा उस पर जी पे करना होता है गुड्स एंड सर्विसेस पर तो उसी की वजह से ये कलेक्शन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा अभी कुछ मंथ और आगे आने वाले जो हाफ ईयर हैं जो आधा क्वार्टर बचा हुआ है उसमें और ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली दिस ट्रेंड इज एंड वेरी मच लाइन विद द इकोनॉमिक रिकवरी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है ई वे बिल जो जनरेट हो रहे हैं उनका भी नंबर बढ़ चुका है इसके अलावा अगर हम अदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स की बात करें तो उनमें भी राइज देखने को मिला है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और इवन मिनिस्ट्री ने चिप शॉर्टेज का जो इशू है उसको भी टारगेट किया उसको भी कहा अगर चिप शॉर्टेज नहीं होती तो सेमीकंडक्टर जो चिप हैं उनकी शॉर्टेज नहीं होती तो शायद जो कलेक्शन है ये और ज़्यादा होता क्योंकि चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है और हम सभी को पता है कि फेस्टिव सीज़न इज़ वन ऑफ़ द वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ तो चिप शॉर्टेज है प्रोडक्शन है ही नहीं इसलिए सेल्स भी नहीं है तो मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है सेमी कंडक्टर की सप्लाई की वजह से इसकी वजह से थोड़ा सा जीएसटी डाउन हुआ है अदरवाइज ये और ज़्यादा होता एंड फर्दर मिनिस्ट्री सेट द एफर्ट ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द कलेक्शन क्यों तो, क्योंकि कंप्लाइंसेस बड़ा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने और सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे रेगुलेशंस uh, इंप्लीमेंट किया बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन किया जिसकी वजह से कंप्लायंस बड़ा है जीएसटी के केस के में और उस कंप्लायंस बढ़ने की वजह से भी ये जी का कलेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है तो फेस्टिवल सीजन की वजह से जी एस की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से जी कलेक्शन में ये उछाल देखने को मिला है इसके अलावा अगर अगर हम बात करें कि इससे ज़्यादा भी होता था तो एक सीधा जो चिप शॉर्टेज हो रही है कोल की शॉर्टेज हो रही है उसकी वजह से थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी जी कलेक्शन में देखने को मिला है एंड एज़ पर द रिसेंट डेटा दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट कलेक्शन एवर एंड वी कैन सी

अक्टूबर तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट भी जो है वो अक्टूबर के महीने में स्ट्रोंग ग्रोथ को शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है बयालीस परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो गुड्स मर्केंटाइज मींस गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो अक्टूबर के मंथ में फोर्टी तक इंक्रीज हुआ है फोर्टी इफ परसेंट टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ नंबर तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है इफ यू वॉन्ट यू कैन सी दिस स्टेबल क्लियरली इंडिकेट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डेफिसिट फ्रॉम अक्टूबर 19 टू अक्टूबर ट्वेंटी वन तो लास्ट तीन साल का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ का फिगर दिया हुआ डेफिनेटली डू नॉट नीड टू डेटा यू कैन जस्ट हैव द ग्लम्स की पिछले लास्ट तीन सालों से इंडिया का जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस बार अक्टूबर के मंथ में अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट है वो फोर्टी परसेंट तक इंक्रीज हुआ है इम्पोर्ट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ दैट फोर नाइन परसेंट तक जो टोटल डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हुआ है हमने डिस्कस भी किया था इफ़ यू रिम्बर दैट इज़ वन हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट थ्री एट परसेंट और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जेम्स एंड ज्वेलरीज एज वेल एज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल वर द कमोडिटीज दैट हैज़ एक्चुअली drive this particular growth in terms of merchandise export so outbound shipment jo significantly increase hua hai pre covid ke comparison mein export increase hota that is clearly indicating ki economy bhi open ho rahi hai india ke sath sath global jo other economies they are also started recovering from the pandemic aur ab requirement जो है goods की वो demand जो है वो goods की बढ़ गई है और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है इसके अलावा तीसरी न्यूज भी है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है दैट इज पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इन अक्टूबर सर्च टू एट मंथ्स हाई ये न्यूज भी पेज नंबर चार पर ही दी हुई है सो मैन्युफैक्चरिंग एसेलेटेड टू एट मंथ्स हाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो पिछले आठ महीनों के कंपेरिजन में जो मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई है एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई हमने कई बार डिस्कस भी किया है न्यूज़ डिस्कशन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है पीएमआई सर्विस के लिए भी पब्लिश होता है और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी पब्लिश करता है पी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मंथली बेसिस पर पब्लिश करता है पी स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जहाँ पर सिंपली जो परचेजिंग मैनेजर होते हैं जो परचेज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ़ पर परचेजिंग करने की अथॉरिटी होती है उन मैनेजर से पूछा जाता है कि आगे आने वाले टाइम में मंथ्स में वो कितना ख़रीदारी करने वाले हैं इंडस्ट्री में कितना कितना परचेजिंग डिसीजन लेने वाले हैं इन ऑर्डर टू तो प्रोड्यूस उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉस्पेक्ट ये एनालाइज़ किया जाता है कि इकॉनमी आगे आने वाले इकॉनमी में आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा और कितनी डिमांड डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री ये समझ रही है ये जान रही कि है कि अनसर्टेनिटी है डिमांड नहीं है तो परचेजिंग मैनेजर जो है वो रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदेंगे प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे उतने या कम खरीदेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनके डिसीजन से एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी क्या फोकास्ट है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी में आगे आने वाले टाइम में डिमांड को लेकर के रिकवरी को लेकर के तो उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर आए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम है माइंडेड स्टूडेंट इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नॉट सर्विस पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पिछले आठ महीनों में आ, के कंपैरिजन में अक्टूबर के मंथ में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुआ है बट इन स्पाइट ऑफ दिस इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एम देर इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड का कि इसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट जो लॉस हो रहा है जो जॉब लॉस हो रहा है उसको बहुत वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है जनरली ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि पी एम बढ़ रहा है एक्टिविटीज बढ़ रही है मैनुफेक्चरिंग बढ़ रही है तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इंप्लॉयज की जरूरत है वर्कफोर्स की जरूरत होगी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए बट इन कंट्राज टाइम दिस इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नॉट और इज नॉट एबल टू अरेस्ट द जॉब लॉस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटीज इन फॉर्म्स वो मीट द राइजिंग डिमांड तो आई एच एस मार्केट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के जो कि अक्टूबर के मंथ में पचपन दशमलव नौ है पचास से नीचे होता है अगर पीएमआई तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं इकॉनमी में कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अगर 50 से ऊपर होता है तो हम ये मानते हैं इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी बूस्ट कर रही है रिकवर कर रही है तो पचपन दशमलव नाइन मतलब अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी सिक्स नंबर आया है पी का दैट इंडिकेट्स अ एक्सपेंशन इन केस ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इसके बावजूद भी अगर हम बात करें इसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ नहीं रहा रीज़न यही है कि कंपनीज़ के पास कैपेसिटी है उन्हें ज़्यादा लेबर हायर करने की ज़रूरत नहीं है पिछले महीने सितंबर के मंथ में यही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम तिरपन दशमलव सात था तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से ट्रेंड रहा तो आगे आने वाले टाइम में पी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और सर्विस में पी एम में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा डेफिनेटली अगर पी बढ़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही इसीलिए जी कलेक्शन भी बढ़ रहा है अभी हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस किया दैट इज वाई जी एस टी कलेक्शन इज़ इंक्रीजिंग टू ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर एक्चुअली रिलेटेड एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी द ग्राफ यू कैन सी जनवरी ट्वेंटी से लेकर के अक्टूबर ट्वेंटी वन तक दिस वॉज द फ्लैक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ मैन मैनुफैक्चरिंग पी एम आई एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस वॉज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ पैनडामिक जिस समय इंडिया ने टोटल लॉकडाउन इम्पोज़ किया था उस समय मैनुफैक्चरिंग पी एम आई सबसे लोवेस्ट तक गया था इसके बाद से रिकवरी स्टार्ट हो रही है हालांकि फ्लेक्चुएट कर रहा है सेकेंड वेव में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला था बट नाउ इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग और पिछले आठ महीनों में, में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है मैनुफैक्चरिंग पी एम आई में दैट इंडिकेट्स द गुड मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन द इंडियन इकोनॉमी एंड डेफिनेटली गुड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंडिकेट द डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर अपकमिंग टाइम इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर भी और तीसरी न्यूज भी पब्लिश हुई जो भी इंडिके एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में यही है जो कि पेज नंबर चार पर है क्या न्यूज है यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉसेस डॉलर वन हंड्रेड बिलियन एट एन ऑल टाइम हाई सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीआई कहते हैं हम सभी को पता होगा यू पी आई का जो ट्रांजेक्शन है जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड अचीव कर चुका है एंड दैट रिकॉर्ड इज शोइंग इट्स पॉपुलरिटी कि यू पी आई कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हेज़ रिकॉर्डेड ओवर फोर बिलियन ट्रांजेक्शन किस मंथ में ऑक्टूबर के मंथ में चार बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं एंड दैट हेज़ रीच ऑल टाइम हाई फॉर पेमेंट प्लेटफॉर्म सिंस इट्स इंसेप्शन और ये कहना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ ड्राइवन बाई द फेस्टिव सीजन स्पेंडिंग जब फेस्टिवल इंडिया में चल रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट हमें यू पी आई के ट्रांजेक्शन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द पेमेंट प्लेटफॉर्म चौदह ट्रांजेक्शन वर्थ रुपीज डॉलर हंड्रेड बिलियन or 7.71 trillion in October month and that is also a record high and if you want to see the graph you can see this graph that UPI ka jo transaction is linear format but if you see linear straight line hai, ja hai, ja hai and that also indicating economic recovery apart from it it also indicates the acceptance of digital payment in India digital currency नॉट डिजिटल करेंसी बट ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया सीधे सीधे इंक्रीज़ हो रहा है यू पी आई ट्रांजेक्शन जी एस टी कलेक्शन मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई एक्सपोर्ट ऑल दीज इंडिकेटर्स आर सिम्पली इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज़ ऑन रिकवरी पाथ और बहुत स्पीड में इंडिया रिकवर कर रहा है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर गिव इन मुंबई हाई फील्ड टू फॉरेन फर्म्स मिनिस्ट्री टू ओ एन जी सी तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टोल्ड टू ओ एन जी सी टू गिव अवे सिक्सटी परसेंट स्टेक गिव अवे सिक्सटी परसेंट स्टेक प्लस ऑपरेटिंग कंट्रोल इन इंडिया लार्जेस्ट ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड ऑफ मुंबई That is high basin to foreign companies, according to the October 28th letter to state owned firms. तो सीधे सीधे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ओएनजीसी को लेटर लिखा और ओएनजीसी को डायरेक्ट किया है कि आप का जो सिक्सटी परसेंट स्टेक है ओएनजीसी में नहीं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं हाई बेसेंस और जो हैं जहां पर अच्छा खासा ऑयल का रिजर्वर्स है उसमें आप ऑपरेटिंग कंट्रोल और सिक्सटी जो शेयर है वो वो दे दीजिए फॉरन कंपनीज को क्यों क्यों ऐसा था सिंपली इन ऑर्डर टू इंक्रीज द दिन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन इन केस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा और जिस तरह से मेरे समय एनर्जी की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं क्रूड ऑयल जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं कोल की शॉर्टेज क्रूड ऑयल को जिस तरह से इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं, shortage, जिस बढ़ रहे हैं जिस, और उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे इम्पोर्ट बिल्स पर देखने को मिल रहा है और हम हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंट्री इज ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट और ये जो स्टेप लिया गया है दिस इज़ वन ऑफ दैम वन ऑफ द मेजर्स दैट रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन इससे क्या होगा कैसे होगा अभी क्या है इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्वर्स भी नहीं है अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए और जो हैं उनमें एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है हाई टेक्नोलॉजी चाहिए तो अगर फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया जाएगा उन्हें सिक्सटी परसेंट स्टेक दिया जाएगा और ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंट्रोल दिया जाएगा भाई आप ही ऑपरेट करो ऑपरेटिंग कंट्रोल बिलोंग्स टू यू आप जैसे चाहो वैसे ऑपरेट करो हालांकि मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ओ या कोई इंडियन कंपनी ही रखेगी अपने पास बट येस सिक्सटी परसेंट स्टेक इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको पता होगा कि पचास से ज़्यादा स्टेक जिसके पास होता है उसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी जनरली होता ही है ठीक है तो सिक्सटी परसेंट स्टेक दो ऑपरेटिंग कंट्रोल दो फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करो कि एं फील्ड्स में ऑपरेट करें एक्सप्लोर करें एक्सट्रैक्ट करें और इंडिया का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जैसे कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रिड्यूस हो और इसी लाइन में जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने सबसे पहले ओ एन जी सी को लिखा ओ एन जी सी इज द स्टेट ओन फॉर्म दैट एक्चुअली वर्क इन दिस सेक्टर ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिफाइनरी एंड ऑल दिस एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो इसी लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो मुंबई के हाई एंड बेसन एंड सेटेलाइट बी एस एन ऑफ शोर असेट्स हैं ऑयल के जो असेट्स हैं फील्ड्स हैं उनमें ज, जितनी भी स्टेट ओन्ड फॉर्म्स हैं जो काम कर रही हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो अभी बहुत ज़्यादा लो है दे आर नाट एबल टू टैप अप द पोटेंशल ऑफ दिज ऑयल फील्ड्स तो सिंपली आप इन पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट पी है उसको इन्वाइट करिए ऑपरेटरशिप को डेलीगेट करिए टू फॉरेन फॉर्म सो दैट दे कैन एक्सप्लोर दीज फील्ड्स दे कैन एक्चुअली गो फॉर एक्सट्रैक्शन एंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ माइनिंग फ्रॉम दीज फील्ड्स

Oil fields get operated and controlled in upcoming future. Now, let some other news clips. Musk plans 200k broadband terminal in India by December 22. So, Elon Musk, that is uh, SpaceX company's owner, which incorporated its 100% subsidiary Starlink satellite communication on Monday. हैज़ अनाउंस इस प्लान टू पायलट सेटेलाइट बेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन ट्वेल्व अंडर प्रिवलेज डिस्ट्रिक्ट ऑल एक्रॉस द इंडिया तो अभी रिसेंटली स्टार्लिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को एल एन मुस्की स्पेस एक्स ने लॉन्च किया जो कि हंड्रेड परसेंट ओन सब्सिडीज है इसके उसी के लॉन्च के समय यह अनाउंसमेंट भी किया गया इंडिया के जो बारह अंडर प्रिवेलेज डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पायलट सेटेलाइट बेस ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगी कंपनी अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी इज लुकिंग एट टू लैक सेटेलाइट ब्रॉडबैंड टर्मिनल्स इन इंडिया बाई डिसम्बर 2022 ट्वेंटी टू विच ऑफ विच एटी परसेंट वुड बी इन रूरल डिस्ट्रिक्ट जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इंडिया में जो रूरल डिस्ट्रिक्स हैं रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो उनका मेन लाइन में इंक्लूजन नहीं हो पा रहा बहुत सारे जो इसेंशियल सर्विसेज़ हैं बेनिफिट्स हैं उनको टैप नहीं कर पाते रूरल इंडिविजुअल्स रूरल हाउस होल्ड्स जिसकी वजह से जो ये कई सारी स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती तो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव बाय स्पेस एक्स विल डेफिनेटली इंक्रीज द इंक्लूजन इन और सोशल इंक्लूजन इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसके अलावा नीति आयोग के साथ कंटिन्यूअस्ली वर्क कर रहा है दस टू प्रोवाइड द इन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू सर्टन स्कूल्स इन द रूरल डिस्ट्रिक दैट चिल्ड्रेन कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द डिजिटाइजेशन एरा नाउ नाटस्ट लुक इन टू नेक्स्ट क्लिप एस बी आई एक्स चीफ अरेस्ट सेंट टू फोर्टीन डेज जुडिशल कस्टडी द राजस्थान पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड द प्रदीप चौधरी जो कि फॉर्मर एस बी आई एस बी आई चेयरमैन थे किस लिए अरेस्ट किया है इन कनेक्शन विद एन एलीज लोन स्कैम दिल्ली दिल्ली में एक लोन स्कैम हुआ कल आपको याद होगा तब ने पढ़ा भी था डिस्कस भी किया था कि किस तरह इंडिविजुअल मैनेजर्स ऑफ फॉर्म्स और पॉलिटिशियन जो होते हैं इन्फ्लुन्सर्स होते हैं वो किस तरीके से एक काटल फार्म करके एक गलत डिसीजन लेते हैं फॉर लैंडिंग जिससे कि पब्लिक जो एक्शक्र होते हैं उनका मनी जो है वो सिफ ऑफ हो जाता है किस तरह से कंसोशियम फॉर्म कर लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं फॉर्म्स होते हैं जो मैनेजर्स अनथिकल मैनेजर्स होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको जो इंटेंशनली लोन लेते हैं सिर्फ डिफॉल्ट होने के लिए उसी तरह दिल्ली डेली में भी एक लोन स्कैम हुआ था जिससे कनेक्शन के लिंक्स मिले हैं एस के जो फार्मर चीफ थे और अगर आप ध्यान से देखें आसपास अगर आप ऑब्जर्व करें तो बैंक्स में यू कैन ईजिली फाइंड दीज टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स मोस्ट ऑफ़ द बैंक्स में यू विल गेट दीज टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स हु टेक और वू फॉलो सम अनएथिकल प्रैक्टिस वाइल लैंडिंग एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंक्रीजिंग एन पी ए इन इंडियन इंडस्ट्री तो उसी से लिंक है दिल्ली के जो लोन स्कैम हुआ उसी से लिंक है जिसके लिए इनको चौदह दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है और जो अगर बहुत सिम्प्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इन पर जो एलिगेशन लगे हैं वो ये लगे हैं कि उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग असेट जो सेल किए हैं जो नॉन परफॉर्मिंग असेट सेल किए हैं उनकी सेलिंग में कुछ घपला किया है उसकी जो वैल्यूएशन है वो इन्होंने इंटेंशनली लो कर की करके किस जिस कंपनी को बेचा इंटेंशनली लो क्या कि जो एक्चुअली में असेट की वैल्यू थी उसको रिड मान लीजिए तौर पर उस असेट की वैल्यू थी जो कंपनी ने लोन लेते समय सिक्योरिटाइजेशन किया था उस असेट की वैल्यू जानबूझ के रिड्यूस करके जो नए बायर हैं उनको बेची और उनसे अपना कमीशन लिया होगा एज सिंपल एज दैट इसी केस में इनको चौदह दिन की जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है लेट एस सी हाउ दिस पर्टिकुलर केस विल मूव ऑन अब देख लेते हैं चिप फेस्टिवल सीजन हमने डिस्कस भी किया अभी पहले वाले न्यूज में सेमी कंडक्टर की वजह से ऑटोमोबिल से, की की से, सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है और अगर हम नंबर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी में को देखें जो कि इंडिया का लीडर, लीडिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबल पैसेंजर व्हीकल माइनस थर्टी थ्री पॉइंट फोर परसेंट का रिडक्शन देखा गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो पिछले साल के कंपेरिजन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी पिछले साल इस फेस्टिवल सीजन के मंथ में जो सेल थी उसके कंपेरिजन में इस साल तैतीस परसेंट कम सेल हुई है हुडाई थर्टी फोर परसेंट टाटा मोटर्स थर्टी परसेंट पॉजिटिव सेल पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली टाटा में इसी के अलावा एम एंड एम में भी पॉजिटिव ग्रोथ है अदरवाइज मारुति सुजुकी हूं डाई बाजाज ऑटो टी वी एस मोटर्स हॉन्डाका इन सब कंपनीज में मेजोरिटी कंपनीज में जो सेल है वो पिछले साल के कंपेरिजन में डेक्लाइन हुई है एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्शन और प्रोडक्शन क्यों लेस हो रहा है सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज है ग्लोबली और जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं सेमी कंडक्टर उन्होंने भी ट क्या कि आगे आने वाले दो सालों तक यह शॉर्टेज रहने वाली है लेटर सी हाउ दिस पर्टिकुलर फैक्टर विल इम्पैक्ट अवर ऑटोमोबिल इंडस्ट्री और कितना टाइम तक ऑटोमोबिल इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाती हैं अब देख लेते हैं नेक्स्टली पेटीएम टू रेज डॉलर वन पॉइंट वन बिलियन फ्राम एंकर इन्वेस्टर्स तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड एंड बिग नेम्स लाइक ब्लैक रॉक कैनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जी आई सी ऑल आर सेट टू पार्टिसिपेट इन टू पेटीएम्स एंकर राउंड अ हेड ऑफ़ इट्स स्टॉक मार्केट डिप्यूट एज पर द सोर्सेस तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू पे एंकर राउंड व्हाट इज़ एंकर इन्वेस्टर व्हाट इज़ एंकर राउंड इसलिए उसको कवर करने का सीधा पर्पज यह था कि हम ये एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो बहुत सीधी सी बात है एंकर इन्वेस्टर्स जनरली बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं सच एस म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन वेल्थ फंड्स जो कि किसी भी कंपनी में एक सब्सटेंशियल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का शेयर खरीदते हैं बड़े बड़े शेयर या ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स खरीदते हैं जस्ट बिफोर द आई इससे पहले कि उस कंपनी का आई आए और यही होने वाला है पे आई पी ओ लाने वाला है इसलिए मैं एंकर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और जैसा कि मैंने नाम भी बताया आपको ब्लैक रॉक कैनेडा पेंशन प्लान जी जैसे जो बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दे आर गोइंग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे आर गोइंग तो टू बाई द सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल शेयर्स इन टू पे एंकर राउंड हेड ऑफ इट्स स्टॉक मार्केट डिब्यूट जो आई आने वाला है आगे आने वाले टाइम में एंकर इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो बड़े बेसिकली इंस्ट्यूशनल इन्वेस्टर भी उनको बोल सकते हैं जो नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं कंपनीज़ होती हैं जो बड़े बड़े शेयर्स ज़्यादा ज़्यादा शेयर्स के अमाउंट में खरीदती हैं और जनरली सोवेरेंट फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज़ होती हैं दे बाई द सब्सटेंशियल शेयर्स इन द कंपनी जस्ट बिफोर इट्स आई पी ओ ओ फॉर सब्सक्रिप्शन और क्यों ऐसा करते हैं सीधी सी बात है आईपीओ को प्रमोट करने के लिए कि आईपीओ में एक अच्छी वैल्यू स्ट्राइक हो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रिनाउंड कंपनीज अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हैं तो इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यही इंडिकेशन यही मैसेज जाता है कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है तभी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं सोवर वेल्थ फंडस हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जाहिर सी बात है अगर कोई बड़ा एक इंडिविजुअल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो अ रिटेल इन्वेस्टर्स हमें लगता है कि अच्छा इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं तो आईपीओ हम भी खरीदेंगे और ज्यादा डिमांड होगी आईपीओ की तो डेफिनेटली आईपीओ की जो प्राइस है वो जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत अच्छा होगा तो PTM के केस के में जो राउंड है डॉलर वन पॉइंट वन बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट थाउजेंड टू फिफ्टी करोड़ एंड विल बी द लार्जेस्ट इंडिया हैज एवर सीन इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंसर दिस एंकर राउंड विल क्लोज ऑन नवंबर थ्री एज पर द रिसेंट न्यूज आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्ट नो टाई विद एयरलाइंस फॉर गवर्नमेंट स्टाफ आफ्टर ए आई टाटा डील सो पोस्ट हैंडलिंग ओवर ऑफ एयर इंडिया टू टाटा गवर्नमेंट ऑफिशल्स विल बी फ्री टू बुक दियर ट्रेवल विद एनी एयरलाइंस दैट ऑफर दैम बेस्ट प्राइसेंटर ने क्लियर कर दिया है अभी तक क्या था कि एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी तो जितना भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नेता पॉलिटिशियन जो भी इनको एयर टिकट मिलता था फ्री ऑफ़ कॉस्ट वो वो एयर इंडिया में आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते थे तो क्योंकि एयर इंडिया के गवर्नमेंट की ही सब्सिडी थी और वो फ्री ऑफ़ कॉस्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती थी एज अ फ्रेंच बेनिफिट बट चूंकि अब एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है तो इसके बाद से किसी और एयर एयरलाइन के साथ ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि गवर्नमेंट डील करेगी फॉर प्रोवाइडिंग द एयर सर्विस एयर एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू ऑफिशियल्स एज वेल एज द प्रोटीशन बट सेंटर ने क्लियर कर दिया कि सेंटर इज नॉट गोइंग टू हैव टाइप विद एनी कैरियर और डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट फ़िलहाल कोई भी किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल कैरियर के साथ हम कोई टाइप नहीं करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पॉलिटिशियंस हैं दे कैन बुक एनी एयरलाइन और एनी कैरियर ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट प्राइज द कंपनी इज और कैरियर इज़ ऑफरिंग सो गवर्नमेंट इज़ नॉट मैंडेटिंग ट्रैवल बाई एनी पर्टिकुलर एयरलाइन गोइंग फॉर्वर्ड आफ्टर हैंडलिंग ओवर एयर इंडिया बिकॉज दे आर वोट बी एनी स्टेट ओन एयरलाइन तो अब आप उसी में बुक कर लीजिए जो कि आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर करें एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस सो दैट इज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स इफ़ यू वॉन्ट लेक्चर पी डी एफ यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू